अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इमरान काका और आज का जो मेरा वीडियो है वो होगा इस वॉलपेपर के बारे में जो है कंपनी वॉलपिन से और मैंने मंगाया है ऑन सेल फ्रॉम अमेज़ॉन। वॉलपेपर लगाने का काम मेजर पोर्शन डे वन में हो चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए भी एक रिव्यू बना दूं वीडियो इस प्रोडक्ट की। तो डे टू से मैंने वीडियो शूट स्टार्ट किया। ये वॉलपेपर ब्रिक्स एंड रोजेस डिज़ाइन में है और इसका एंड रिजल्ट और थ्रू आउट का जो मेहनत रही है वो कैसी रही है अगर आपको देखना है तो प्लीज़ ये वीडियो में अंत तक। तो गाइस डे टू की शुरुआत सबसे पहले हमने की अपनी डे वन की गलतियां सुधारते हुए, यानी डे वन में हमने जो लगाया था उसमें आ गई थी काफ़ी सारी झुंडियां और वो काफ़ी तरीके से ख़राब हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना क्यों पहले उसी को निकाल लिया जाए और उसको वापस से लगाकर लेट्स गिव अ फ्रेश स्टार्ट टू डे टू। तो हमने इसलिए पहले इसको निकाल दिया, जितना हाफ द वॉलपेपर पोर्शन जो डैमेज हुआ था हमने उसे निकाल दिया है और हम उसको वापस से सही से लगाने वाले हैं। तो गाइस डे वन के मिस्टेक को वॉलपेपर से निकालने के बाद हमने करेक्ट साइज़ इस पीस का कट कर लिया है वॉलपेपर को वॉल स्पेस के साइज़ के हिसाब से और अब हम इसको सही से लगाने वाले हैं। गाइस वॉलपेपर के पीछे काफ़ी सारे रूल्स मौजूद हैं जिसको हमने एक्चुअली फॉलो नहीं किया, हमने हमारे ही तरीके से इसको लगाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस डैमेज जो आपने देखा कि हमने निकाल कर लगाया, उसके अलावा हमको कहीं कोई डैमेज नहीं आया। बहुत ही केयरफुली और क्लीनली और नीटली हमने इस पूरी वॉल को फिनिश किया है। गाइज इसको लगाते हुए कुछ खास चुनिंदा चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के साथ सीखा है। जैसे कि मेरा वॉलपेपर है ब्रिक्स एंड रोजेस के डिज़ाइन में, तो हमको मेक श्योर करना चाहिए जब भी हमारी एक स्ट्रिप एक साइड पर ख़त्म हो तो उसके कंटिन्यूस में आने वाली सेकेंड स्ट्रिप जो होगी उसमें वो ब्रिक्स और रोजेस टैली होने चाहिए ताकि वो पूरा फिनिश होने के बाद इवन लगे और एक सिंगल वॉलपेपर लगे। लगाते हुए एक और ख़ास चीज़ का जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इतना स्लो और कॉशियसली लगाना चाहिए ताकि आप कंटिन्यूसली उसको रब करते रहें लगाते हुए, तो कोई भी और किसी भी किस्म की एयर अंदर न छूट जाए जिसकी वजह से झुंडियाँ छूट जाती हैं। तो आप इस चीज़ का भी अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत ईजीली आपका काम हो जाएगा। और हर किसी भी कोई छोटी स्पेस पर जहाँ पर आप वॉलपेपर लगाना चाह रहे हैं, मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि हर बार लगाने से पहले आप उसका एक्यूरेट साइज़ कट कर कर उसे एक आधा इंच या एक इंच एक्स्ट्रा लेकर आप कट कर कर उसे लगा सकते हैं। गाइस इस वॉलपेपर का जो ग्लू है वो काफ़ी स्टिकी है तो आप इसे अगर कहीं एयर आ जाए तो स्लाइटली वापस पुल ऑफ कर कर भी अच्छे से लगा सकते हैं, मगर ज़्यादा पुल ना करें, ज़्यादा बार इसे निकालें और लगाएं नहीं, क्योंकि इसका जो एडहेसिवनेस है वो ज़्यादा ही कम हो जाएगा फिर बहुत ईजिली पुल ऑफ हो जाएगा। हमने लगाते हुए हर चीज़ का ख्याल रखा है कि जहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस छूट गई हो उसको भी हमने साइज़ वाइज कट कर कर वॉलपेपर को कम्प्लीट फिलिंग दे दी है। और गाइस कहीं भी अगर ऐसी जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है अगर उतनी स्पेस भी कहीं भी छूट जाए तो आप भी छोटे पीसेस कट कर कर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर भी ब्रिक्स का साइज़ टैली किया है, ब्रिक्स उससे मैच करके ही लगाया है और जब भी आप ये बारीक शेप्स भी लगाते हैं ये जॉइंट आपको कहीं महसूस नहीं होगा। जब ओवरऑल कोई भी फ्रेश आदमी अगर आपको ये आकर वॉलपेपर देखेगा तो इसके अंदर कहीं कोई ग्लिच वो नहीं ढूंढ पाएगा। आपके कोई भी एंड पर जहाँ पर वॉल फिनिश होती है मेक श्योर आप बारीक सी स्ट्रिप्स काट कर या बारीक सी लड़ियाँ काट कर उस पर चिपका दीजिए ताकि वॉल टू वॉल एक प्रॉपर फिनिश आए आपके स्टिकिंग में और वॉल काफ़ी कंप्लीट लगेगी आपकी। वॉलपेपर चिपकाने के बाद जो भी जहाँ पर भी एक्स्ट्रा हमने एक आधा इंच छोड़ दिया था हम इसको अब प्रॉपरली फिनिश करेंगे। जैसे कि यहाँ स्केटिंग के ऊपर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया था, अब उसको हम निकाल कर क्लीन कर देंगे।
बाय।